राजस्थान में बनने वाला चावल का रायता, जिसे वहाँ करवा या ओलिया भी कहते हैं। मैंने एक कटोरी चावल को धोकर और 2 घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैं ये जो भिगोए हुए चावल हैं, इनको कुकर में डाल देती हूँ पकाने के लिए। ये एक कटोरी चावल था, मैंने 3.5 कटोरी पानी इसमें डाला है। और अब मैं इसे कुकर को गैस पे चढ़ा दूंगी, धीमी आंच पे चढ़ाऊंगी और 4-5 सीटी बजेगी तभी उतारूंगी इसको। मतलब ज़्यादा गलाना है चावल को, नमक नहीं डालना है इसमें। 4-5 सीटी बज गई है और मैंने कुकर खोला है और चावल देखो एकदम अच्छे से पक गए हैं, जैसे एकदम पके हुए होने चाहिए। रात को ही बना के रखना चाहिए और सवेरे इसमें दही डालकर और जीरा और राई डाल के इसका करवा बनाया जाता है या ओलिया बनाया जाता है, या यूं कहो कि यह रायता है चावल का। और ये रात को बना के रखते हैं तो सवेरे इनमें B12 की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और इसलिए यह इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और अक्सर जब भी सीजन परिवर्तन होता है तब इस तरह से ओलिया ढोकला बनाया जाता है और माता जी को भी चढ़ाया जाता है सप्तमी, शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी में, और फिर इसे खाया जाता है। अब मैं इसमें दही डालूंगी। तो चावल की मात्रा तो आपको जितनी चाहिए आप उस अनुसार से ले सकते हैं और दही भी जितना डालना उतना डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ दही, थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि चावल ज़्यादा है इसलिए। अब मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ, चावल और दही को अच्छे से। मैंने दही डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। 1 चम्मच राई ले रही हूँ, ये बड़ी राई है, इसको मैं पाते में रखकर बेलन से इसको क्रश कर लूँगी। राई को क्रश कर लिया है तो इसमें डाल देती हूँ। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पीस के रखा था वो डाल रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, सेंधा नमक डाल रही हूँ। सबको मिक्स कर लेते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इसके 2 भाग कर दिए हैं। ये 1 भाग में नमकीन बनाऊंगी, इसमें शक्कर या गुड़ कुछ नहीं डालेंगे, और इसमें मैं शक्कर या गुड़ डालेंगे तो मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें शक्कर डाल देंगे, मिला लेंगे और इसका टेस्ट कर लेंगे, फिर जितनी ज़रूरत है उतनी शक्कर और डाल देंगे। अब ये बन के तैयार हो गए हैं, दही का रायता, नमकीन और मीठा वाला दोनों। इसे ढोकला कहा जाता है, गुड़ और आटा मिला के और इसे पूड़ियाँ बना के स्टीम किया जाता है। इन ढोकलों को रात को बनाया जाता है और सवेरे दही के रायते के साथ खाया जाता है। यह बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है।